अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात हम लोग थे भाई दिलावर के घर, तो अभी हम लोग आ गए हैं भाई सुधाकर के घर। है पता नहीं कितू फड़ के ले आंदा था, ये तक नहीं पता चलिया। नादराले भी नहीं मने कोई नहीं मने, बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई ले आया अबू जी दे ना, सब कुछ लेके चले बस। हुण फिर मने क्यों नहीं हो? मन गए ने, नाच कर बना दे नहीं आए। और नहीं, सारे लोग कमेंट कीते ने जी नहीं मनदे ते छाड़ो जित्थे ले आंदा हुण ले आंदा है। एक चलो मिसाल मैं अपनी देनी, फिर कह रहे एक पालतू कुत्ता भी आई है ना, वो भी छड़ के उन दिल नहीं करता। फिर जी तो भाई साबर लोग गए थे कराची, कराची से रात को वापिस आए हैं। तो साबर भाई कैसा रहा सफर? बड़ा ठीक रहा जी यार, सफर धूड़ फुड़ दी समझ नहीं आया। कितने किलोमीटर करके आए? तकरीबन 2200 किलोमीटर सफर करके आए। ते गड़ी तो ही चलाई थी या भाई सुधाकर? दीदी गड़ी चलाई थी, कुछ देर वो चलाता है, दो त्रै घंटे वो चलाता है, दो त्रै घंटे मैं चलाता। यानी कि सफर फिर आसान रहा। सफर आसान हो जाए तो दूसरा बंदा रेस्ट कर लेंदे ना, सो लेंदे झट झट। मैं ते आके नाल कथे जागदे हां, वो सो जांदा है। फिर जो वो चलाता है अहीं दोवें सो जांदे हां। अखणे मैनूं नाल लै जांदे, कोई चलांदा ही ना। फिर जाणा कि नहीं कराची? कराची जाण दी गल्ल नहीं, गड्डी चलाण दी गल्ल होई है। तो भाई सुधाकर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई सुधाकर, क्या हाल? ठीक है अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा सफर? जबरदस्त। कराची नेड़े ही है? हाँ जी नेड़े ही है, इन वास्ते। तो जी बाकी बातें बाद में, नाश्ता आ गया, अभी नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाह। नाश्ते में जी दही, साथ में सवैयां और चीनी। भाई साहब हाँ जी, ईद ही याद है ना? हाँ जी ईद ही याद है, माँ के कोल आए जी, इतने याद आ रहे ने। सही। तो जी देहात में अक्सर जो है वो सुबह के नाश्ते में पक जाती हैं सवैयां। और साबर साहब ज़ाहिर है यहाँ पे वालदा के पास आए हुए हैं, तो यहाँ पे वालदा की जो फरमाइश हो वो तो फिर चलती है। तो माशाल्लाह सवैयां जो है वो आम दिनों में भी पके तो यूँ ही महसूस होता है जैसे ईद का दिन है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं? हमारा प्रोग्राम है यहाँ नज़दीक अड्डा है, तो दिलावर भाई ने थोड़ा सा गाड़ी का काम करवाना था, उसके लिए निकले हैं। डारा वाला जा रहे हैं हम, डारा वाला। डारा वाला जा रहे हैं? हाँ जी। मुझे अड्डे के नाम का नहीं पता था, जोहेब ने आपको बता दिया। तो उत्थे जाके असीं खावांगे शवारमा, बड़ा मशहूर है। सवाए सवाए खाण दे तैनूं कोई होर भी काम है? लै ਸਾਜ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਖਾ ਵੀ ਲੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਨੀ ਖਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦ ਲੋਕ। ਅੱਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ छेती खिल रहे। परेशान ना हो, बस एक बार देर फिर देखना होगा कि चाचे अपने छोटे तरह चौड़ा होंगे। मतलब ग्राहक बंद मोटा हो जाता यार, वो गल तेरे आने वाला वक्त दसेगा। कहना मतलब छेती ब्याह करा ला होना है। मतलब तू सानू इस तरह ना दस, वो साड़ी मर्जी ना होना। माशाल्लाह यहाँ पे गाय जो है वो काफ़ी मोटी ताज़ी और खूबसूरत किस्म की। ये चेक करें कितनी बड़ी बड़ी गाय हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं डारा वाला स्टॉप पे, और यहाँ से गाड़ी का काम जो है करवाना था। यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी एक गाड़ी खुली है, दूसरी जो है वो हमारी वाली आ गई है। हमारे वाले दिन फ्लावर भाई वाली है। हमारा तो कैरी डब्बा है, हम कैरी डब्बा लेके आए। आश्रम ना साडे लागे, आश्रम साडी है। हां यहीं बैठे थे, साडी है। हां चलते जो। तो ये जी गाड़ी का बोनट जो खुल गया। ये जी इंजन की राजा ने कर दी, नास दी है। हां इंजन के तो बीबी पी आई। वो बस है ना कोई इंजन की क्या आई जी, ना कोई इंजन ने स्पीड जन का ना जोर खींचता है। हां जी इंजन है एज ए बे बैजा इंजन
इन्हें तेन पता बॉनेट के अलावा यहाँ पे खुलना शुरू हो गया गाड़ी के व्हील और इनकी डिस्कें जो है वो चेंज करनी है। जेब तुम्हें कोई जाजू सीख लै कोई डिस्क शिस्क चेंज करनी पे या इंजन चेंज करना पे दिलावर भाई आए यहाँ पे ऑटो स्टोर पे और यहाँ से कुछ चीज परचेज करनी थी। फिल्टर का है अच्छा ऑयल फिल्टर से डिस्कों का काम जो है वो मुकम्मल हो गया और फिटिंग अभी शुरू हो गई है दोबारा से। इंजन का ज़्यादा काम नहीं था सिर्फ एयर फिल्टर जो है वो चेक करना था। जहेब जो है वो मैकेनिक बनने लगा और साथ ही आवाज़ आ गई है भाई तेरे वसु काम बाहर है और ये शदाई हो गया चाचे ने बोल दिया ना ना किने रखे कुछ ना किने रखे। दिलावर भाई इधर आए जरा सामने कह रहा है मेरा ना किने रखे तेरा नाम है रखे शदाई की या देव फिर शदाई किने रखे तो ये जी दुकानदारी। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक हो और ये दुकान का अपना स्टैंड क्या हाल है ठीक ठाक हो की बेच रहे हो भला ना की बेच रहे हो दाल है कादी दाल चने चने ने और कुछ नहीं पाया कुछ नहीं पाई ये सारे पाया ये मैं सब पकाया है ना कितने भी दिन और ये तरीका दुकानदारी का तकरीबन आज से मेरे ख्याल में सदियों पुराना है। काफी मजे की है मुझे पानी तो आई गया होना खाने का नहीं अब बड़ी मेरे खवान लगे ने तू तो नहीं खानी तुसी यार कौन हो अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई तुम खाओगे हां आज तो खावांगे चल ओए भाई तेरा अब्बू बाद से पहले भरा मेरा है तो ढेली तुसी भी ले लो की हो नहीं नाल नाल लगन लग पे हो तकरीबन किन्नी होंदी एक ट्रे दे किलो ते सुबह किन्ने बजे निकलदे लैके 10 बजे ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਪੰਜ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5-600 ਬਚ ਜਾਂਦੀ 5-600 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੋਸਤ ਜੈ ਬੰਦਲੇ ਆਤਿਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਟੇਬਲ ਪੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ खाना जो है आज हमारे पास से खाएंगे तो खाने में है जी हमारे पास पुलाव मटन और रोटी सलाद रायता जहेब सावर साहब दिलावर साहब और गोंदर साहब तो चलिए जी खाना शुरू करते हैं ठीक है भी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया। खाना बहुत मज़ेदार था काफ़ी नहीं बहुत बहुत मज़ेदार था और
खाने की टर्न खत्म होने के बाद अभी आ गई आइसक्रीम कुल्फा। केड़ी कुल्फा? नाम देव ने कहीं से सुन लिया है और बोल रही है भाई। तभी जो है वो इसने बोल दिया। तो जी खाना खाने के बाद अभी गुंदुल भाई से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुंदुल भाई आपका कि आपने इतने अखलाक के साथ और इतनी चाहत के साथ हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया आपका जी। सभी हमें इजाज़त है। सहरा में चरते हुए ऊँट। ये इलाका ज़्यादा सहराई तो नहीं है मगर फिर भी यहाँ पे ऐसे ही महसूस हो रहा है क्योंकि इन दिनों फसलें जो है वो कम हैं इन इलाकों में। बारिशें कम हुई हैं और पानी की जो नहरी पानी है वो भी कम रहा तो काफ़ी दूर दूर तक फसलें जो है वो यहाँ पे नहीं हैं। जिस तरह पीछे घूम रहे थे ऊँट इसी तरह यहाँ पे वो सामने आपको नज़र आ रहा है एक ऊँटों का झुंड।